Very good morning, students. In the previous session, we are discussing about the acidic character. Now, today we will compare some carboxylic acids, yeah, the compounds of carboxylic acid and their acidic character. Now, first we will discuss about formic acid and acidic acid. Now, you have to discuss that which is more acidic and which is less acidic. Now, it is formic acid probability, meaning formic acid or weak acid. So, हमारे पास जो carboxylic acid group का carbon है, इसको हम check कर लें. ठीक? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि carboxylic acid group के carbon में यहाँ पर acidic acid के case में CH3 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ई डी जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो उस केस में क्या होता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी कार्बन को शिफ्ट करता है एंड देन फर्दर भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है किसी तरह ऑक्सीजन की तरफ. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होती है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. निगेटिव जब चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ये क्या होगा, ये इसको आसानी से लोड पेयर नहीं दे पाएगा. आसानी से अगर लोड पेयर नहीं दे पाएगा तो आसानी से एक्सप्रेस रिलीज नहीं हो पाएगा. तो इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में हम ये बोलेंगे कि जो एसिडिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा जो ग्रुप है वो मेटल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो वो क्या करता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन OH बॉन्ड के भी OH बॉन्ड ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. तो क्या हमने ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से जुड़ा मेटल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीज करता है, जिससे कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और कार्बन और ऑक्सीजन में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से रिलीज कर जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. तो अब क्या होगा, जब एच प्लस सेपरेट होने की कोशिश करते हैं ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, आज के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो एच प्लस आसानी से मूव नहीं हो पाएगा, मूव नहीं हो पाएगा. और हमने आप पढ़ा है बचपन से ही या क्लास सेवन में भी आपने पढ़ा है, ए एसिड आर दोस सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस एच प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. दिस सब्सटेंस आसानी से एच प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन रिलीज करके हमने क्या कहते हैं. अब आप देखिए फॉर्मिक एसिड के केस में, फॉर्मिक एसिड के केस में ऐसा कोई नहीं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वो अपना जो है एच बॉन्ड में अपना लोन इलेक्ट्रॉन ग्रुप को दे देगा और ये एच प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. तो ये आसानी से एच प्लस रिलीज कर देगा. यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है जिसकी वजह से क्या, और कार्बन और ऑक्सीजन पच्चीस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाती है. OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसका मतलब OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी तो आसानी से डिग्रेड हो, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इसके प्लस आई इफेक्टिव एसिड प्लस आई इफेक्टिव एसिड, तो यहाँ पर ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो गया. अब ये आसानी से अपना लोड पेयर इसको नहीं दे पाएगा, आसानी से लोड पेयर नहीं दे पाएगा तो एच प्लस आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगा. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर OH बॉन्ड की पोलैरिटी रिड्यूस हो रही है, इससे ये कम एसिडिक होगा और ये ज़्यादा एसिडिक होगा. तो नाउ यू कैन से दैट अ फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन एसिडिक. ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा है, यहाँ पर हमें सी थ्री वाले में ही एक सी एल लगा दिया, तो इसका नाम हो गया क्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो एसिडिक एसिड और ये है फॉर्मिक एसिड. अब हम इसकी बात करें तो क्लोरीन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द नेबरिंग एटम. तो वो एटम्स जो नेबरिंग एटम्स है या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स कहते हैं. तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, माइनस साइड पे करेगा, तो जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ से कम हो जाएगी तो ये अब क्या हो, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या शिफ्ट करेगा,
देन ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इधर शिफ्ट होगी। देखिए हमने क्या कहा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा जब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने जब विड्रॉ करेगा और आसानी से इसको रिलीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आसानी से इसको रिलीज कर देगा। दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था पोलैरिटी वाला, वो हम बता रहे थे, हमें ये बताया कि यहाँ पर क्लोरो एसिटिक एसिड के केस में जो मेथाइल ग्रुप है या जो सेकंड वाला कार्बन है वहाँ से क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, तो वो क्या करता है माइनस आई तक पॉज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने विड्रॉ करता है, तो जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर और कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देगा, तो जिससे यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज कम होगा या निगेटिव चार्ज कम होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज निगेटिव होगा तो उसके क्या होगा ये आसानी से नोट कर इसको दे देगा और एक्सप्रेस आसानी से रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरीन ग्रुप माइनस आई ओ का कॉज करता है, जिसकी वजह से ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी है, ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है, और जब बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ज़्यादा पोलर बॉन्ड आसानी से पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो आसानी से ये क्लोरीन ग्रुप अपना दे देगा और एच प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो अब क्या होगा ये आसानी से रिलीज कर देगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है, तो माइनस आई इफेक्ट नहीं है तो इसके कंपैरिजन में ये जो है अपना एक्सप्रेस जो है वो क्या होगा इसके कंपैरिजन में एक्सप्रेस आसानी से रिलीज नहीं करेगा, इसलिए क्या करेगा ये ज़्यादा एसिडिक और ये कम एसिडिक। हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कंफ्यूजन में जो लोगों की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर क्लोरो एसिडिक एसिड, तो आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये क्या है, तो ये क्या होगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट करेगा, तो इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट करेगा, है ना, तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एच प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा, तो इस तरीके से वो बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से क्या होगा एच प्लस आसानी से रिलीज होगा। तो एसिटिक एसिड हो और चाहे क्लोरो एसिटिक एसिड हो, दोनों के केस में क्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। अब आप देखिए हम कौन कौन से ग्रुप लगाए और उनका क्या क्या इफेक्ट होगा, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं पी एच बी आर आई सी एल सॉरी आई कह पी एच आई बी आर सी एल एफ एंड देन सी एल एन ओ टू और सी एल, तो ये इस तरीके से ग्रुप लगे। तो अगर ये ग्रुप कार्बन से अटैच होंगे तो इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में वो क्या करेंगे, अगर फेरिल आइलो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो साइनाइड या नाइट्रो या ठीक है ट्राई फ्लोरोमेथेन अगर ये ट्राई फ्लोरोमेथेन है, अगर ये यहाँ पर जुड़ा हुआ ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये इस ऑर्डर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करेंगे या ओएच बॉन्ड की पोलैरिटी को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सी एच थ्री जुड़ा है किसी में और यहाँ पर एनओ टू जुड़ा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ये ज़्यादा पोलर होगा और ये क्या होगा सॉरी ये ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि ये क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव और ये कंपैरेटिवली कम पोलर, तो ये क्या है ये इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी है या हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को
ये दिखा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, तो ये इसको दिखा रहा है। तो इसके नोट्स मैंने आपको अपलोड कर दिए, फर्दरली आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ करके या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।